गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। आई विल टीच टुडे क्लास 9th लेसन नंबर 2nd, इन विच आई टीच ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर of two or more component. What is solution? Solution is homogeneous mixture of two or more component. Homogeneous means the solution in which all component present in same phase. That type of solution is known as homogeneous. In binary solution, there are two component present, solute and solvent. Solute, the component of solution which present in less amount, that is known as solute, and the component of solution which present in large amount is known as solvent. क्लियर? तो बाइनरी सोल्यूशन में वह पार्ट, वह कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो, उस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं, और बाइनरी सोल्यूशन में वह कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में हो, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल में लेते हैं कि 100 ग्राम वाटर में यदि हम 10 ग्राम शुगर को डिजॉल्व करते हैं, तो इन दैट कंडीशन शुगर इज सॉलिड एंड वाटर इज सॉल्वेंट, बिकॉज शुगर इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड वाटर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ओके, अब हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन कैन डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, इट डायमीटर इज नैनोमीटर, 10⁻⁹ नैनोमीटर, एंड इट कैनॉट फिल्टर आउट बाई फिल्टर, इट कैनॉट सीन बाई माइक्रोस्कोप। तो ट्रू सॉल्यूशन के का प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फर्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट क्या है? ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड, साइज ऑफ पार्टिकल कितने? नैनोमीटर में। थर्ड, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर और कैन नॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। आफ्टर दैट सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट डिजॉल्व इन वाटर, इट्स साइज इज 100 नैनोमीटर, इट कैन सीन बाई माइक्रोस्कोप, इट फिल्टर आउट बाई फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक, वाटर और चाक के मिक्सचर को हम
कर सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड नंबर है कोलाइडल सोल्यूशन। व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन? द सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। द सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इट कैनॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। इट कैनॉट बी फिल्टर आउट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, स्टार सोल्यूशन, जेम, जेली एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपके थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम टू टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट परसेंटेज बाई मास एंड सेकेंड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने टर्म से जो है शो कर सकते हैं? टू टर्म से। कौन कौन टर्म्स है? फर्स्ट टर्म्स है आपका तो परसेंटेज बाई मास, और सेकेंड टर्म क्या है? परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी किस टर्म से हम लोग उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा है परसेंटेज बाई मास मींस डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज। ठीक। द सोल्यूशन इन विच द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज परसेंटेज बाई मास। द सोल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन आल्सो ग्राम दैट इज नोन एज मास परसेंटेज आर डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यहाँ पर लिखते हैं मास परसेंटेज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो मास परसेंटेज क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज। ठीक है। तो हो जाएगा मास परसेंटेज परसेंटेज बाई मास इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वेट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। सेकेंड नंबर है
वॉल्यूम परसेंटेज और वी बाई वी परसेंटेज। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन ml इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो ml दैट इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है वॉल्यूम परसेंट? द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉलिड प्रेजेंट इन ml इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो ml दैट इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? इसके बाद हमारा टॉपिक है सोलुबिलिटी। क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है सोलुबिलिटी। गौर करते हैं सोलुबिलिटी। क्या टॉपिक हमारा है? सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे? वह सॉल्यूशन जिसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट में फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस कह रहा है कि वह सॉल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग मेल्टिंग फ्रीजिंग ग्लोइंग ऑफ बल्ब दैट इज फिजिकल चेंज। और सेकेंड है केमिकल चेंज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज केमिकल
चेंज द न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो चेंज फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोल रिस्पिरेशन ऑल थिंग इज केमिकल चेंज और इसी के साथ यह लेसन ये टॉपिक्स जो है कि फिनिश हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इसको आप लोग थरोली स्टडी कीजिए, ठीक ना। और कंसेप्चुअल और सीरियल वाइज स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है कि सीरियल वाइज इसको स्टडी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।